वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ डब्ल्यू बी बोर्ड हिस्ट्री अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस का जन्म कैसे हुआ, क्यों हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग को द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया के अंदर पोर्तुगीज कैसे प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंटिंग प्रेस लेके आई, कैसे जेम्स ऑगस्टस हिकी आए, जेम्स ऑगस्टस हिकी के साथ क्या क्या बुरा चीज हुआ, जेम्स ऑगस्टस हिकी के प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर देने के बाद कितने सारे न्यूज़पेपर्स हमारे पास शामिल हुए। लेकिन क्या आपके दिल में ये सवाल नहीं पैदा हुआ कि आखिर न्यूज़पेपर के बारे में पूजा दीदी पढ़ा क्यों रही हो, क्यों हमारे सिलेबस में न्यूज़पेपर इतना ज्यादा जरूरी है? आपके दिमाग में सवाल नहीं आया तो मैं सवाल लेके आती हूँ, लेट्स रोल। न्यूज़पेपर के बारे में क्यों पढ़े, ज्यादा चिल्ला दी थी ना, आई नो जोश आ जाता है तो चिल्लाना, आवाज मेरा थोड़ा तेज हो जाता है, मेरी मम्मी बहुत बोलती है कि बहुत ज्यादा चिल्ला देती हो तुम, थोड़ा आवाज कम करो। लेकिन कोई बात नहीं, चिल्ला भी रही हूं तो सही चीज के लिए चिल्ला रही हूं ताकि आपके दिमाग में आपके कान में वो बात घुस जाए। आप ध्यान से मेरी बात को समझो, बात क्या है, आज के जमाने में अगर आपको अपना आवाज उठाना है, किसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, आपके पास टूल क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक और क्या है, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ट्विटर तो खैर मत ही बोलो भाई, कैंसल बोर्ड एग्जाम्स हैशटैग ट्रेंड कर रहा था ना। तो क्या है, आज के जमाने में अगर आपको अपना आवाज उठाना है, आपके पास सोशल मीडिया है। लेकिन आपको क्या पता है, आज से 200-300 साल पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, ऑफकोर्स नहीं हुआ करता था, इंटरनेट ही नहीं था। उस समय अगर आपको अपना आवाज उठाना है तो आपके पास इकलौता माध्यम न्यूज़पेपर हुआ करता था। यस, एब्सोल्युटली राइट। आप आज अगर अपने दोस्तों के बीच में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हो, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप उसमें कुछ ऐसी बातें लिखोगे, आपके साथ और भी लोग आएंगे, जुटेंगे, आपके आपस के बोल सकते हैं फीलिंग्स शेयर होंगे देश के लिए, पैट्रियोटिज्म बढ़ेगा, नेशनलिज्म बढ़ेगा। लेकिन उस जमाने में अगर आपको लोगों के अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की आग को जलानी थी तो न्यूज़पेपर ही इकलौता काम आता था। न्यूज़पेपर में सबसे गंदी गंदी बातें, गवर्नमेंट की जो छुपी हुई सच्चाइयां है उसको बाहर लिखा जाता था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता था, और उसके कारण लोग आपस में ऐसा फील करते थे कि यार हर इंडियन के साथ ऐसा ही सुलू हो रहा है, हम इंडियंस को एक साथ जुट के इस ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर हमारी आजादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, आप इस बात को जान लो। और जो चीज हमारे आजादी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है उस चीज के बारे में आप पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, ये कैसा बात हुआ? आप देश के नागरिक हैं, आपको जानना चाहिए कि आखिर हाँ यार हमारे इंडिपेंडेंस के पीछे किस किस का काम रहा, किस किस का योगदान रहा। लिविंग बींग्स में तो काफी नाम है, लेकिन नॉन लिविंग अगर बींग है हमारे पास वो है न्यूज़पेपर। जो नॉन लिविंग था लेकिन वो उसके अंदर ऐसा पावर था कि वो हमारे अंदर जो मरा हुआ, जो देशभक्ति मर गई है उसको भी जगाने का काम करता था। आपको समझ में आ गया? तो न्यूज़पेपर के बारे में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, मैं आगे टॉपिक में बढ़ना चाहती हूं, लेकिन मैं सोची कि जो हम लोगों ने कल के वीडियो में कवर किया उसी पार्ट में से चार क्वेश्चंस आते हैं, उसी पार्ट में से चार शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि लेट मी कवर दैट, बच्चों को ऐसा ना लगे कि सवाल जो है वो बाहर से आया, पूरा हिस्ट्री ऐसा मत समझो। अच्छा ये मैं समझाना चाहती हूँ, ऐसा मत समझो जितना आपके बुक में लिखा है उतना ही हिस्ट्री पूरे बोल सकते इंडिया में हुआ है, नहीं बातें और भी हुई है, लिखा आपके हिस्ट्री बुक में थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको छोड़े नहीं, साथ में बटोर के फिर हम चले। क्या आपको समझ में आया? तो लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग कि ये चार्ल्स विल्किंस नाम के शख्स कौन थे। तो चार्ल्स विल्किंस आखिर थे कौन? चार्ल्स विल्किंस एक टाइपोग्राफर थे। टाइपोग्राफर आपको समझ में आता है, टाइपिंग? यस, जो टाइपिंग करता है उसको बोलते हैं टाइपोग्राफर, मतलब प्रिंटिंग वगैरह में ये इन्वॉल्व थे। और ये एक ओरिएंटलिस्ट थे। अब ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर टू में इसके बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऐसा समझो, ओरिएंटलिस्ट वो ब्रिटिश, ज्यादातर वो ब्रिटिश लोग होते थे जिनको एशिया के कल्चर, एशिया में ही इंडिया आता है राइट, तो यहाँ पे मैं इंडिया बोलूंगी तो आप समझ जाना। ओरिएंटलिस्ट वो लोग हुआ करते थे जो लोग ब्रिटिश तो जरूर थे, अंग्रेज तो जरूर थे, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में बहुत विश्वास रखते थे।
हमारे इंडियन कल्चर को बहुत माना करते थे और उनको ऐसा लगता था कि इंडियंस को उन्हीं के अपने लैंग्वेज में पढ़ाना लिखाना चाहिए, एजुकेशन बांटना चाहिए। वो हमारे कल्चर की बहुत ज्यादा सराहना करते थे, तारीफ करते थे, उसको मानते थे। तो चार्ल्स विल्किंस भी बहुत अच्छे इंसान थे, वो एक टाइपोग्राफर थे और एक ओरिएंटलिस्ट थे। वो फाउंडिंग मेंबर रहे, फाउंडिंग मेंबर यानी जिन जिन लोगों ने मिल करके फाउंड किया, तो उसमें से एक इंसान चार्ल्स विल्किंस भी रहे। किसका फाउंड किया, किसका फाउंडेशन उन्होंने किया, एशियाटिक सोसाइटी। ये चैप्टर वन में डिस्कस होगा, अभी के लिए नाम थोड़ा याद रखिए। द एशियाटिक सोसाइटी के जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से चार्ल्स विल्किंस भी एक शख्स थे। और ये जरूर याद रखना बच्चों, इसको मत भूलना, इसको बिल्कुल मत भूलना, भगवद गीता को सबसे पहले, भगवद गीता पहले हमारे पास संस्कृत में थी, फिर हिंदी में आई, लेकिन सबसे पहले इंसान जिन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है उसका नाम है चार्ल्स विल्किंस। यस, चार्ल्स विल्किंस वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो समझ जाओ हमारे कल्चर से कितना प्यार करते हैं। तो चार्ल्स विल्किंस कौन थे? चार्ल्स विल्किंस एक टाइपोग्राफर थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट यानी जो अंग्रेज तो है लेकिन हमारे कल्चर पे विश्वास रखता है, हमारे कल्चर की तारीफ करता है, उसकी सराहना करता है और चाहता है कि इंडियंस को इंडियन के भाषा में ही पढ़ाओ भाई, मतलब जो हमारे हमारे बारे में अच्छा सोचता है वो ओरिएंटलिस्ट कहलाएगा। तो चार्ल्स विल्किंस भी एक टाइपोग्राफर थे और ओरिएंटलिस्ट थे। ये फाउंडिंग मेंबर रहे एशियाटिक सोसाइटी के, ठीक है। और इन्होंने ये पहले ऐसे शख्स बने, अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च कर लो तो ये इन्हीं का नाम आएगा। ये पहले इंसान थे जिन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आपको समझ में आ गया? अब आप जरा जाके अपने बुक में छानबीन कर लो ये कहाँ लिखा है। लेकिन क्वेश्चन आता है जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपके बुक में नामो निशान नहीं दिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज और हु वॉज रादर पंचानन कर्माकर। वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड यू शुड नो अबाउट हिम। सो दोस्तों क्वेश्चन है, हु वॉज पंचानन कर्माकर? पंचानन कर्माकर को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग ऑफ बंगाल। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बताती ही नहीं कि गुटेनबर्ग आखिर कौन थे तो क्या आप थोड़ा भी टॉपिक से रिलेट करते? आपको लगता होगा कोई भाई हटाओ, लेकिन अभी आपको पता है कि गुटेनबर्ग का एक्चुअली थे कौन। गुटेनबर्ग हमारे पूरे दुनिया के फादर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस दुनिया के, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ गुटेनबर्ग ऑफ बंगाल, यानी कि हम कहना चाहते हैं ही इज द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल, राइट। पंचानन कर्माकर क्यों? क्योंकि देखो बंगाली में जो भी लेटर्स होते हैं बंगाली में, अब मेरे को एक क ही लिखना आता आई थिंक, वो भी गलत आता है कि नहीं। बंगाली में जितने भी लेटर्स होते हैं अगर आप बंगाली में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको बंगाली लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप बंगाली में न्यूज़पेपर छापना चाहते हो बंगाली लेटर चाहिए या नहीं चाहिए? वो बंगाली लेटर्स का एक्चुअली बोल सकते हैं हम लोग टाइप पेस, वो बनाना पड़ता है मेटल के रूप में, हमको बनाना पड़ता है उस समय में। तो मेटल के रूप में किसने बनाया था पहली बार? ही पंचानन कर्माकर। लेकिन क्या खुद से ही बना लिया था? नहीं। किसने सुपरवाइज करा था? सुपरवाइज करा था चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस के सुपरविजन के अंदर उन्होंने पहली बार एक ऐसा टाइप फेस बनाया जो बंगाली हुआ करता था और उसके जरिए हम लोगों के, इसके बाद एक्चुअली हमारे सो कॉल्ड बंगाली न्यूज़पेपर्स भी आना शुरू हो गए थे। क्या आपको बात समझ में आया? यानी कि पंचानन कर्माकर वो पहले इंसान थे जिन्होंने बांग्ला टाइप फेस बनाया था और इनके ये डिस्कवरी के बाद ही हमारे पूरे इंडिया के अंदर बंगाली पेपर आना शुरू हुआ। क्योंकि आपको बंगाली पेपर छापना है तो आपको बंगाली लेटर्स चाहिए और बंगाली लेटर्स का डिस्कवरी पहली बार, डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन पहली बार किसने किया? पंचानन कर्माकर, याद रहेगा, राइट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि गंगा किशोर भट्टाचार्य या गंगाधर भट्टाचार्य कौन थे? गंगा किशोर भट्टाचार्य जिनको एक और नाम से बोला जाता है गंगाधर भट्टाचार्य, प्लीज अगर एग्जाम में, अगर आपको एमसीक्यू में ये दिखता है और आपको नाम नहीं याद आता है प्लीज आप हमेशा याद रखना गंगा किशोर का एक और नाम है गंगाधर भट्टाचार्य। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, सेम ही इंसान है, ठीक है। इन्होंने शुरू किया था बंगाली बुक्स का प्रिंटिंग, यस, इन्होंने बंगाली बुक्स का प्रिंटिंग शुरू किया था, एक्चुअली बिजनेस शुरू किया था बंगाली बुक्स प्रिंट करके, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने एक बुक प्रिंट किया था जिसको हम बोलते हैं ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
यानी बंगाली में ही इंग्लिश ग्रामर के बारे में विस्तार रूप में बताते थे। बंगाली में ही इंग्लिश ग्रामर के बारे में विस्तार रूप में बताते थे अपने एक बुक में। बुक का नाम क्या है? ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने 1818 में, आपको याद होगा, बंगाली एक वीकली छापना शुरू किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, आपके बुक में रॉन्ग स्पेलिंग है, बार बार बोल रहे हो। बंगाल गैजेट नाम था जो इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया। आप अगर इस बात पे ध्यान से गौर करो तो आप देखोगे कि गंगा किशोर भट्टाचार्य या गंगाधर भट्टाचार्य ने अपने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल सोशल रिफॉर्म लाने के लिए किया। बुक्स लिखा करते थे, बुक्स, बंगाली बुक्स प्रिंट किया करते थे ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्प्रेड कर सके, है कि नहीं? तो अपने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल उन्होंने सोशल रिफॉर्म को लाने के लिए किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे, ठीक है। तीन चीजें डिस्कस हो गई है और लास्ट चीज जो मुझे डिस्कस करना है, दैट हु वाज सेरमपुर ट्रायो। सेरमपुर ट्रायो आखिर क्या है? देखो, सेरमपुर जो शब्द है, ठीक है, वो तो आपको पता है, एक जगह का नाम है। ट्रायो क्या है? ट्रायो का मतलब होता है थ्री, ट्रायो यानी थ्री। तो सेरमपुर ट्रायो एक्चुअली तीन लोगों को हम बोलते हैं, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड और विलियम कैरी। इन तीन लोगों को हम बोलते हैं सेरमपुर ट्रायो। जोशुआ मार्शमैन कौन थे, याद दिलाऊं? हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो समाचार दर्पण पढ़ा था उसके एडिटर थे जेसी मार्शमैन। जेसी मार्शमैन के पिता का नाम है जोशुआ मार्शमैन। आई होप दिस इज क्लियर। तो जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड और विलियम कैरी को हम तीनों को बोलते हैं सेरमपुर ट्रायो। आखिर ये पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तीन लोग जब इंडिया में आए थे तो इन्होंने सोचा था कि हम एक मिशनरी इस्टैब्लिश करेंगे। हम क्या इस्टैब्लिश करेंगे? मिशनरी। मिशनरी क्या है? एक इंस्टीट्यूट बेसिकली। इस मिशनरी में हम लोग लोगों के बीच में एजुकेशन को फैलाएंगे, आम जनता के बीच में, यानी जो नॉर्मल इंडियंस हैं उनके बीच में एजुकेशन को फैलाएंगे। किस बारे में एजुकेशन? आर्ट, साइंस, कल्चर, यानी कि ये इंडिया को एजुकेट करना चाहते थे, इंडिया के हित में सोचते थे ये। इसलिए हमारे पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, हु वेर कॉल्ड सेरमपुर ट्रायो। सो जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड एंड विलियम कैरी आर कॉल्ड सेरमपुर ट्रायो। वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट? दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे केम टू इंडिया टू इस्टैब्लिश अ मिशनरी विच वुड हेल्प इन डिसिमिनेशन, इन स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज अमंग पीपल, अमंग ऑर्डिनरी इंडियंस। अब नॉलेज इन वॉट फील्ड? नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, कल्चर, साइंस, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट, क्रीड, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ये लोग नहीं करना चाहते थे इंडिया के अंदर। तो अच्छे लोग थे सेरमपुर ट्रायो में, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के वीडियो का मेरा मोटिव यही था। आज का वीडियो बड़ा छोटा है लेकिन ऐसा समझो, आज के वीडियो का जो चार मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो चार क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो। आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके बुक में सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो आपको अगर मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा करके आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो और वहाँ पे मुझे DM करो #, इतिहास के बारे में जानते हैं। आई नो बहुत बड़ा है ये #, लेकिन थोड़ा मेहनत आप भी करो, इतिहास के बारे में जानते हैं, और मुझे समझ में आ जाएगा कि आप चैप्टर 5 का नोट्स मांग रहे हो और मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, अभी तक मैंने इतना नोट्स तैयार नहीं किया, जहां तक पढ़ाई हूं आज वहीं तक का नोट्स मेरे पास है, ठीक है। सो एक बार पूरी तरीके से तैयार हो जाए तो मैं आप तक वो शेयर कर दूंगी। आई विल नोटिफाई यू, ठीक है, आप अगर मेरे को DM करते हो तो। एंड इम्पॉर्टेंटली, देर इज नथिंग टू फियर अबाउट, लेकिन कल के वीडियो के लिए तैयार रहो, क्योंकि कल का वीडियो में हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। कल जो हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेस एंड सेंसरशिप। आपके बुक में अलग अलग करके नहीं दिया है, एक साथ दिया है और बहुत कंफ्यूजिंग वे में दिया है। कल का वीडियो के, प्लीज़ कल के वीडियो के लिए आप इंतज़ार करो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन सब्सक्राइब। भाई क्या सोच रहे हो आप? ओके, बाय।